जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरह का अगर हम कहें सियासत बिहार में, अगर हम कहें केंद्र में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह का की बातें की जा रही है उससे स्पष्ट है कि अब जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने गेंद अगर हम कहें तो सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दिया है और इसको लेकर बिहार में सियासत जारी है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं मुकेश सहनी जी हैं। इससे पहले भी उन्होंने जातिगत जनगणना के बारे में कहा था, कवायद भी की थी। आज हमारे साथ खुद यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, किस तरह देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, हम लोग एक बड़ी उम्मीद के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे और हम लोगों का मांग था कि देश में जातिगत जनगणना हो और इसके लिए बिहार के जितने भी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, वीआईपी हो, हम हो या विपक्ष के जितने भी पार्टी है, हम लोग सब मिलकर हम माननीय प्रधानमंत्री से मिले थे और बहुत उम्मीद था कि इस पे सरकार, केंद्र सरकार जल्दी निर्णय लेंगे। लेकिन हमें भी कल से पता चल रहा है कि इस पे केंद्र सरकार की तरफ से मना हो रहा है, तो इसके लिए बहुत तकलीफ हुआ। लेकिन हम लोग ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और हम लोग चाहेंगे कि जातिगत जनगणना हो, केंद्र सरकार पुनः इस पे विचार करे, क्योंकि देश का हित की बात है, पिछड़े समाज की बात है। हमें कोई भी विकास के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस समाज के कितने संख्या है, किस स्थिति में है, उनके समस्या क्या है, तो ये सब जानकारी होना चाहिए। जैसे आज हम एससी एसटी के लिए अलग से बजट बनाते हैं, 15% अलग से रखते हैं, उसी तरीके से हमें हर समाज के लिए, हर तरह से लोगों के लिए हमें इस तरीके से राज्य को सोच के हमें बजट बनाना है, उसके लिए उत्थान के लिए काम करना है। और इसमें तो सारी पार्टी चाह रहे कि हो, और अभी हम शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। हम चाहेंगे कि राज्य सरकार अपने खर्चे से, अपने संसाधन से बिहार में जातिगत जनगणना कराए, तो जैसे बिहार में होगा तो फिर बाकी जगह राज्य में भी होगा और ये बहुत बड़ा खर्चे की बात नहीं है, बहुत मिनिमम खर्चे में राज्य में ये हो जाएगा। राज्य इसके लिए सक्षम है और इसमें तो बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी, हम, विपक्ष की पार्टी सभी चाहते हैं कि हो, तो मुझे लगता है इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी बेहतर सोचेंगे। इसके लिए हमने तो ये भी कहा कि इसमें खर्च की बात है तो उसमें हम लोग पार्टी के स्तर से 5 करोड़ रुपया भी डोनेट करना चाहेंगे कि अगर सरकार करेंगे तो इसके लिए हम लोग अपने पार्टी के बैनर तले हम लोग डोनेशन जमा करके और राज्य सरकार को देंगे और उसमें 4 करोड़ रुपया पार्टी की तरफ से देंगे, 1 करोड़ रुपया तो मैं निजी कोष से देने के लिए तैयार हूँ कि सरकार इस तरीके से काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बिहार का हित होगा। तो इसके लिए मैं बहुत जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूंगा और मैं चाहूंगा कि हो। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो वीआईपी पार्टी तैयार है और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी अगर हम कहें तो वो सरकार को मदद करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री से इसको लेकर हम विशेष बात करेंगे और केंद्र सरकार को भी इस मामले को लेकर पुनर्विचार करनी चाहिए। कुंदन कुमार, एटीवी भारत, पटना।